सभी को राम राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ग्रेट वेलकम। आशा करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। आज फिर से 10वीं पास ऑल ओवर इंडिया के लिए बैंक कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक में आपकी भर्ती आ चुकी है। मैं सारी जानकारी आपको दूंगा, विस्तार से दूंगा कि आपको कौन कौन सी पोस्ट है, कैसे अप्लाई करना है, कौन सा एप्लीकेशन होगा ऑफलाइन के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से, एज क्या होगी, कितनी पोस्ट है, जॉब लोकेशन क्या होगा, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है, सब कुछ बताऊंगा ए टू जेड एक ही वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और विस्तार से देखें, क्योंकि जो जानकारी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी एक्सर्विसमैन बोल रहे थे कि हमको बैंक में नौकरी चाहिए, बैंक में चाहिए, तो बैंक के लिए एक्सर्विसमैन के लिए आ गई है। सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो पीडीएफ है नीचे मैंने प्रोवाइड कर दिया है, नीचे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है बैंक का, जहाँ से आप ऑफिशियली आप अपडेट मतलब पढ़ सकते हो। ऑफिशियल लिंक भी दे दिया है, अप्लाई करने का लिंक भी दे दिया है। अप्लाई ऑनलाइन के माध्यम से करना है, मात्र 10वीं 12वीं अगर आप हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया एक्स सर्विसमैन के लिए बिल्कुल कोटा है इसमें और आप सभी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली बात कि कहां से भर्ती निकल के आई है, तो बल्लारी डीडीसी बैंक रिक्रूटमेंट 2022 से तरफ से बैंक से निकल के आई है, जिसमें 58 वैकेंसीज हैं टोटल। ये बल्लारी में दोस्तों आपका बैंक रिक्रूटमेंट है, जो डीडीसी बैंक है उसमें आप कौन कौन सी इसमें पोस्ट है, मतलब पोस्ट का नाम सेकंड डिवीजन असिस्टेंट जूनियर सर्वेंट व्हीकल ड्राइवर कंप्यूटर इंजीनियर और फर्स्ट डिवीजन असिस्टेंट की इसमें जॉब आपको मिलेगी। 58 वैकेंसीज है। 25 तारीख से आप ऑनलाइन आवेदन करने का शुरू हो चुका है, लास्ट डेट है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल से पहले पहले आप आवेदन कर दें। इसमें आपका एक रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू है, बस उसके बाद भर्ती आप हो जाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिया, पीडीएफ भी नीचे प्रोवाइड कर दिया है। और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये फायदा है कि जब भी मैं एक्स सर्विसमैन की जॉब लेके आऊंगा तो आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेगा, आपके स्टेट की, आपके राज्य की, ऑल ओवर इंडिया की। तो एक बेल आइकन भी होगा, ऐसा घंटा होगा, इस घंटे को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। मैं इस बैंक में दोस्तों फिर से बता देता हूँ, DDCC बैंक कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक में भर्ती जाइए, जिसमें वेरियस पोस्ट है, जिसमें वो पोस्ट का मैंने नाम अभी आपको बता दिया। क्वालिफिकेशन 10th 12th और ग्रेजुएशन है। जॉब लोकेशन आपका बल्लारी रहेगा, जो कि कर्नाटका में स्थित है। आपको पोस्ट में देख लेते हैं कितने हैं, तो सेकंड असिस्टेंट सेकंड डिविजन असिस्टेंट की 40 है, जूनियर सर्वेंट की 15 है, व्हीकल ड्राइवर की 1 है, कंप्यूटर इंजीनियर की 1 है, डिविजन फर्स्ट डिवीजन असिस्टेंट की 1 है। टोटल 58 वैकेंसी है। 10% इसमें एक्स और इसमें मतलब भूतपूर्व सैनिकों का कोटा है। अब आगे बात कर लेते हैं एज की, क्वालिफिकेशंस की और भी जो भी इंपॉर्टेंट है। आप सभी के लिए फीस भी रखा गया है इसमें। जनरल एंड ओबीसी के लिए 1000 है और ST SC और कैटेगरी 1 या एक्स और इसमैन या विडो है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे एक्स और इसमैन का कोटा है। काफी विद्यार्थी बोलते हैं या एक्स और इसमैन बोलते हैं कि एक्स और इसमैन का इसमें नहीं दिखा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स और इसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं, 10% कोटा है। आगे मैं एक चीज और आप लोगों को सूचित कर दूं कि अगर आप MES रेलवे DSC या बैंक गार्ड DGR की भर्ती ढूंढते हो या और भी अन्य, मैं सब चीज यहाँ पे अप्लाई मतलब कि सब कुछ अपलोड करता हूँ। हमारे साथ 2 लाख से भी ज्यादा एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक पेंशनर रिटायर्ड मैन जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ सकते हो क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि आप जल्द से जल्द अपनी भविष्य को एक नया नाम दे सको। तो आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे व्हाट्सएप का लिंक है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना है, नीचे मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहां से आप जाके ऑनलाइन इसको आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप ये भी देख सकते हो। आगे एज लिमिट की बात करें तो एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स सर्विसमैन का जितनी भी सर्विसेज को डिटेक्ट करने के बाद 3 साल का उनको छूट मिलती है, मतलब कि 3 साल उनका मिल जाएगा। 35 साल तक इसको भर सकते हैं पोस्ट को। अब सैलरी की बात करें तो सेकंड डिवीजन असिस्टेंट की 21,400 से लेकर 42,000 तक रहने वाली है, जूनियर सर्वेंट की 18,600 से लेकर 32,600 के बीच में रहने वाली है, व्हीकल ड्राइवर की 19,950 से 37,900 तक रहने वाली है, कंप्यूटर इंजीनियर की 33,450 से 62,600 तक रहने वाली है, फर्स्ट डिवीजन असिस्टेंट की 27,650 से लेकर 52,650 तक रहने वाली है। तो मैंने इसमें आपको पूरी जानकारी दे दी है, कितनी वैकेंसीज है, किस पोस्ट पर कैसे अप्लाई करना है, कितनी पोस्ट है, एज क्या रहेगा, अप्लाई कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा रहेगा, कोटा कितना है एक्सर्विसमैन का, कितनी कितनी पोस्ट है, कहां से भर्ती निकल के आई है, जॉब लोकेशन कर्नाटका रहेगा, बल्लारी आपका। तो मैंने ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। 16 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले सभी भर्ती इसको आवेदन कर लेना, जितने भी भूतपूर्व सैनिक हो। अगर किसी भी तरह का दिक्कत आता है तो आप कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप के थ्रू भी बता सकते हो। नीचे हमारा व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप हमारे साथ ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, जहां पे आपको PDF स्टडी मटेरियल कोई भी आपको लिंक आती है, जैसी भर्ती आती है आपके राज्य की आपको वहां पे मिल जाएगी, आपको बहुत अच्छा सुविधा वहां से मिल सकता है। तो भूतपूर्व सैनिक जितने भी है चैनल के साथ जुड़े और अपना प्यार देसी के साथ में शब्दों को विराम देता हूँ।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।